एड़ी के दर्द के बारे में, जिसको सुबह उठते और पांव रखते ही इतना भयंकर दर्द होता है जिससे हम चल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, घर पे रह के इलाज करना चाहिए। तो आज हम बहुत ही सिंपल उपाय बताएंगे जिसको करने से एड़ी का दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। यू कहें चुटकियों में मतलब छू मंतर हो जाएगा। एड़ी के दर्द होने का मुख्य कारण क्या है, एड़ी में दर्द होता क्यों, एड़ी में दर्द होने पे क्या करें। सुबह उठते ही जैसे मैंने जमीन पे पांव रखा तो एड़ी में एक जोरदार मतलब बहुत तेज दर्द हुआ जिस कारण से चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो एड़ी में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि मान लिया आप अगर कहीं भी कहीं भी स्नान करने जा रहे हैं तो आपकी एड़ी के नीचे कोई पत्थर पड़ जाता है जिसके कारण मतलब स्वेलिंग एड़ी में सूजन यानी हड्डी को ये टच कर जाता है। बीच में जो होता है ना नहाने गया और अचानक से पैर ऐसे पड़ गया तो क्या हुआ ना ये हड्डी को टच कर गया। हड्डी को टच करने के बाद इसमें वो तुरंत असर नहीं करेगा, कुछ देर के बाद उसमें हड्डी में स्वेलिंग इनफैक्ट यानी सूजन आ गया, हड्डी में सूजन आ जाता है जिस कारण से बहुत ज्यादा ऐसा दर्द होने लगेगा जैसे आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले खान पान के बारे में बात करें तो वैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें गैस को बढ़ावा दे। आप क्या करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप इस तरह का कोई भी मिट्टी से बना हुआ बर्तन जो आपके घर में अवेलेबल हो, इस तरह का गोल आकार में ही होना चाहिए, गोल आकार के मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या करना है आपको, बिल्कुल इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जहां पे मतलब गैस पे या मतलब बोरसी, गांव देहात में बोरसी का जो आग होता था ना उसमें आप इसको गोइठे पे आग लगा के इसको थोड़ा देर रख दे, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऐसा गर्म जिसको लगे कि हम इसकी सहन शक्ति हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वैसे स्थिति में आप इसको निकाल लें चिमटे की मदद से। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया और रखते के साथ ये जलने लगा, मतलब ऐसा गर्म होना चाहिए जिससे आप बर्दाश्त कर सके, इस पे दबाव बना सकते हैं, ये टूटना भी नहीं चाहिए। वैसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जहां पे आपके एड़ी में दर्द हो मतलब एड़ी में जो दर्द है, तो आपको जैसे मान लो ये पैर का जो एड़ी है तो इसको ऐसे नीचे रखकर ऐसे आपको दबाव बनाना है, इस कंडीशन में दबाव बनाना है, जहां पे आपका एड़ी में दर्द हो तो वहां पे ये गर्माहट पहुंचे। 2 से 3 बार इसको करना है, कम से कम 5 मिनट तक इसको करना है। ये पहला नुस्खा होगा सुबह, या सुबह में 2 टाइम आपको करना है, सुबह कर ले और रात में सोने से पहले एक बार जरूर से जरूर कर ले। ये तो पहला नुस्खा हुआ, इससे बहुत ही ज्यादा और तुरंत आराम देने वाला ये नुस्खा है, बिल्कुल फोकट का है और आप बिल्कुल इजी वे में कर लेंगे और इससे बहुत ही मतलब कितना भी पुराना आपके एड़ी में दर्द हो तो आपको ये तुरंत मिट जाएगा। दूसरा जो काम करना है तो आपने देखा होगा इलायची से जाए, बाजार से जाए और इलायची जो होता है ना इलायची को क्या करना है, आप 30 इलायची मतलब अच्छे सा मरा हुआ इलायची नहीं होना चाहिए, जिंदा इलायची होना चाहिए जो हरे हरे होना, थोड़ा सा मतलब उसमें दाने हो और वो कवर हो और हरा होना चाहिए, मतलब हरा टाइप की इलायची आपको ले लेना है। उस इलायची को आपको क्या करना है, 30 वो इलायची गिन के रख देना है, यानी ये 30 दिन का डोज है। दूसरे तरीका मैं बता रहा हूँ, 30 दिन का ये डोज है। तीसरे पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन भोजन करने के बाद
भोजन जब आपने कर लिया उसके एक घंटे के बाद एक इलायची को मुंह में रखकर 5 मिनट तक आपको चॉकलेट की तरह धीरे धीरे चूसना है और उसके जो लारा है उसको तुरंत आपको निगल लेना है। इस तरह आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट करने के बाद आपने भोजन करने के एक घंटा के बाद आपको करना है और इसको करने के बाद एक घंटा और अंतराल कर लिए, तब ये बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये दूसरा उपाय है। स्वेलिंग आपका धीरे धीरे बिल्कुल ये कम होगा। मैंने अपना मतलब एड़ी का जो दर्द है स्वेलिंग मैंने ठीक किया, तो इसको आपको 30 दिन रेगुलर लगातार लेना है। अगर 15 दिन में या 10 दिन में आपका स्वेलिंग बिल्कुल कम हो तो गैपिंग करके लेना है। गैपिंग करके यानी पहले जैसे एक दिन आज लिए तो एक दिन गैपिंग करके दूसरे दिन लेना है। अंतराल क्या है? अंतराल खाना खाने के एक घंटे के बाद को आपको इसको लेना है, मुंह में चबा चबा कर इसको रस को चूसना है, रस चॉकलेट की तरह इसको धीरे धीरे चूसना है। और आप चाहे जब 5 मिनट से 6 मिनट हो जाए तो आप इलायची को फेंक दें या पूरी चबा कर घोट जाए, फायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। ये मेरा 100% बिल्कुल अजमाया हुआ है। मतलब इसको लेने के बाद आपको 1 घंटा अंतराल करना है, यहाँ तक कि आपको पानी का भी सेवन नहीं करना है। ये बात को ध्यान में रखते हुए एड़ी का दर्द आपको चुटकियों में गया, एड़ी में इंफ्लामेशन यानी सूजन आ गई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। 2 उपाय मैंने बताया है। पहला उपाय ये है, इससे बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा उपाय ये जो मैंने इलायची वाला बताया, इससे भी बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। अगर इससे तो फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको